हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी और हमारी यूट्यूब चैनल यूट्यूब देवाशीष में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला है डीजीपे रिलेटेड एक सर्विस के बारे में। देखिए फ्रेंड, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो चल रही है कि डीजीपे में जो डिपॉजिट सर्विस है वो सर्विस बंद कर दिया है सीएससी ने। हालांकि सीएससी ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। आप अपने डिजीमेल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद वहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कल सुबह 11 बजे से आपका जो डीजीपे का डिपॉजिट सर्विस है वो बंद कर दिया है और वो अपग्रेड हो रहा है। फिलहाल के लिए बंद है, थोड़े कुछ दिन बाद वो फिर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप डीजीपे में काम करते हैं, अगर डीजीपे में कोई पैसा फंस गया है तो आपको वो वापस मिल जाएगा। और फ्रेंड, इसके अधिक जानकारी के लिए हम डीजीपे के जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल किया है और सेल्स फी हेल्पलाइन में जो अधिकारी थे वो अधिकारी हमें जो बताया है कि देखिए ये सर्विस फ़िलहाल के लिए बंद है, सीएससी इसको अपग्रेड कर रही है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए फ्रेंड, कि एबीबीएस में जो भी सर्विस है उसमें अगर आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ बहुत जल्दी हो जाता है, बट प्रॉब्लम होता है डिपॉजिट में। अगर डिपॉजिट करते जाते हैं तो डिपॉजिट करने के समय बहुत सारे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है और दूसरे प्रॉब्लम भी होता है। तो सीएससी को इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे मेल या फिर कॉम्प्लेंट आया है। तो सीएससी ने इस सर्विस को और बेहतर करने के लिए 2 दिन के लिए ये सर्विस बंद कर दिया है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पैसा फंस गया है तो वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं था। क्या सही है क्या गलत है ये आप सभी जान सके, तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन सभी भीलो भाइयों के साथ शेयर करें जिन्होंने डीजीपे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, आशा करते हैं ये जानकारी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।